नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज मैं उन पौधों के नाम बताऊंगी जिनकी हवा में जड़ें लटकती हैं और मानसून में उनकी जड़ पौधे से बाहर निकल चुकी हैं, तो वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं कटिंग से। तो उनको आप कैसे कटिंग से लगा सकते हैं, उनके नाम बताऊंगी, उन पौधों को दिखाऊंगी। तो पहला प्लांट है सिंगोनियम का। सिंगोनियम की तो जड़ें बहुत ज़्यादा लटकती हुई आपको दिखेंगी, ये रहा देखिए। और ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो कुछ इस तरह हमने यहाँ पर कटिंग ली है फ्रेंड, और ये कटिंग देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी इसकी रूट निकली हुई है, ऐसी लटकती रहती हैं रूट इसकी। तो इसको तो आप बहुत ही आसानी से इस मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके रूट को मिट्टी में दबा दीजिए और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं फ्रेंड, तो पानी में भी लगा दीजिए इसको। पानी में बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाता है जब उसकी जड़ें निकल जाएं, उसके बाद आप मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये पौधा लग जाता है और बहुत सुंदर लगता है। इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं और ये धूप में रहता है और चाहे छाया में रहे आसानी से चलता रहता है। और इसकी देखिए रूट कितनी बाहर निकलती रहती है, हवा में झूलती हैं फ्रेंड। तो इसको आप ज़रूर कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली लग जाता है। दूसरा प्लांट है मनी प्लांट। देखिए आप इसकी रूट कितनी बाहर निकली हुई है, बहुत सारी आप देख सकते हैं। दीवार में इसने, ये देखिए दीवार में चिपकी हुई है इसकी रूट, इतनी बड़ी बड़ी निकली हुई है। तो इसको आप कटिंग को कट करके यहाँ से और आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए कितनी रूट है इसमें, और इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर एक कटिंग ली है, ये रहे, ये देखिए। और यहाँ पर रूट देख सकते हैं आप इतनी अच्छी है। और इसको भी इस तरह से मिट्टी में रख दीजिए, बस रखने से ये थोड़ी थोड़ी ऊपर से मिट्टी कर दीजिए और बहुत ही आसानी से ये कटिंग लग जाती है। इसको भी आप पानी में भी लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मनी प्लांट कितना सुंदर है। तो आप बहुत ही आसानी से ये ग्रो होने वाले प्लांट है, और इनकी जड़ें जो हवा में झूलती रहती हैं, इनको बहुत ही आसानी से कट करके इनकी कटिंग आप लगा सकते हैं। यहाँ देखिए आप मैक्सिकन पेटोनिया है, और इसकी जड़ें देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी निकली हुई है, और ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है। और इसके फ्लावर देखिए बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये प्लांट ही बहुत सुंदर लगता है। इसकी पत्तियाँ देखिए आप बिल्कुल प्लास्टिक की तरह लगती हैं। तो इस पौधे को आप ज़रूर लगा सकते हैं और बहुत ही इजीली लग जाता है। आप ऐसे कटिंग छोटी सी लीजिए और आप पानी में रख दीजिए, या फिर मिट्टी में भी लग जाता है, दोनों में आप लगा सकते हो फ्रेंड। इस तरह से देखिए ये, और यहाँ पर हमने इसको इस तरह लगा दिया है फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पर मिट्टी में लगा दिया है। इसी तरह आप मिट्टी में दबा दीजिए इस पौधे को और पानी देते रहिए, धूप में आराम से चलता है। अभी तो थोड़े दिन के लिए इसको छाया में रखना है, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से इस पौधे को लगा सकते हैं धूप में। तो बहुत अच्छा ये पौधा है, और देखो इस तरह से कटिंग लग जाती है। बहुत अच्छी मतलब पौधा है ये, और इसकी रूट बाहर निकली रहती है। तो क्या है कि अभी बारिश हुई है फ्रेंड, तो बारिश में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी रूट बाहर आ जाती है, कुछ इसी तरह ये मनी प्लांट है, चाइनीज मनी प्लांट है फ्रेंड। और इसकी भी रूट देख सकते हैं आप बाहर आई हुई है। इसको भी आप इस तरह से यहाँ से कट करके देखिए, बहुत ही आसानी से ये लग जाता है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने इसको भी लगा दिया है इसी तरह। अगर आपके पास पॉट नहीं है तो एक ही पॉट में आप कटिंग को लगा दीजिए, उसके बाद आप अपने और पॉट लेके जब आपकी कटिंग ग्रो हो जाए उसके बाद आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी आसानी से हमारा ये पौधा चल रहा है। तो इसको इसी तरह से बहुत आसानी से लग जाते हैं, क्योंकि इनके रूट बाहर पहले से निकले हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड इनको आप ज़रूर लगाएं। यहाँ देखिए टर्टल वाइन है, और इसकी भी देखिए आप जड़ें हवा में झूलती रहती हैं और बारिश के महीने में निकल जाती हैं जड़ें। कुछ पौधे ऐसे होते हैं
तो इसको भी आप बहुत ही आसानी से ऐसे कटिंग तोड़कर और मिट्टी में दबा दीजिए, और आप दबाना भी नहीं इसको, इसी तरह से डाल दीजिए मिट्टी में, तब भी ये आसानी से लग जाती है। अगला प्लांट ये ब्लूजन जू का, और यहाँ पर देखिए आप इसकी कटिंग, और ये देखिए इसकी जड़ें आप इसी तरह निकली होती हैं, तो आप इसको मिट्टी में आसानी से दबा सकते हैं। कुछ यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं लगाकर, फ्रेंड यहाँ पर हम लगा देंगे अभी। यहाँ देखिए पॉट हमारा खाली है, तो इसी में हम सारी कटिंग को ग्रो कर लेंगे, उसके बाद फिर पॉट में हम लगा देंगे, शिफ्ट कर देंगे पॉट में। देखिए फ्रेंड बहुत ही इजीली लग जाते हैं, बस पानी डालते रहिए और छाया में रखिए। बहुत आसानी से ऐसी कटिंग आप लगा सकते हैं। अभी मानसून चल रहा है फ्रेंड, तो आप कई सारे पौधे बना लीजिए। और यहाँ देखिए आप स्वीट पोटैटो वाइन है, और ये देखिए कहाँ तक लटक रही है, ये भी बहुत इजीली लग जाती है फ्रेंड। तो इसको भी आप इस तरह से कटिंग यहाँ से तोड़िए और आराम से इसको लगा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए कुछ इस तरह से कटिंग को तोड़कर, और देखिए यहाँ पर इसी में लगा देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड इसको बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी रूट बनी हुई है, ये रूट है इसकी, यहाँ पर देखिए आप, और इसको यहाँ पर इस तरह से दबा दीजिए। फ्रेंड हमने 2 से 3 पौधे इसके बना लिए हैं, देखिए आप इस तरह से आप एक पॉट लीजिए और सारी कटिंग को ग्रो कर दीजिए, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगी, और उसके बाद आप अलग अलग पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड बहुत अच्छा ये आइडिया है, ऐसे हम अपनी कटिंग लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पौधे बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम आपको भी बता रहे हैं फ्रेंड, इसी तरह आप बना सकते हैं। देखिए ये ग्रीन कलर की है स्वीट पोटैटो वाइन, और इसकी आप देखिए कितनी जड़ें हवा में झूल रही हैं, तो इसको भी आप कट करके इसी तरह से और लगा सकते हैं। इसकी मेरे पास 2 वैरायटी हैं फ्रेंड, एक तो ये पर्पल और ये दूसरी ग्रीन। तो इसकी देखिए इसी तरह जड़ें लटकती रहती हैं, और इनको आप कट करिए यहाँ से और जड़ को दबा दीजिए, बहुत ही आसानी से हमारे ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। इनको जड़ बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फ्रेंड, इस तरह से देखिए कितनी लंबी लंबी जड़ लटकी हुई हैं इनकी। तो इनको बहुत आसानी से आप कट करिए और लगा दीजिए मिट्टी में, और कई सारे आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। और यहाँ देखिए आप पिंक कलर का है सिंगोनियम है, और इसकी भी जड़ें हवा में झूलती रहती हैं फ्रेंड। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं आप कितनी सारी इसकी जड़ें निकली हुई हैं, देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी जड़ निकली हुई हैं, और यहाँ से आप कट कर दीजिए इसको, देखिए यहाँ पर कितनी सारी जड़ें बनी हुई हैं, और यहीं से आप तोड़ लीजिए और अपने पौधे को ग्रो कर दीजिए। तो आप कई सारे इसके पौधे बना सकते हैं फ्रेंड, देखिए यहाँ से कट करके आप पानी में भी लगा सकते हैं इसको और मिट्टी में भी लगा सकते हैं फ्रेंड। और ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी सुंदर पिंक कलर की हैं, और इसकी कई वैरायटी होती हैं फ्रेंड। मेरे पास 2 वैरायटी हैं सिंगोनियम की, एक ग्रीन और एक ये पिंक। इसके फ्रेंड मैंने 2 पौधे बना लिए हैं, और ये देखिए कटिंग मैंने ले ली है, और इसकी रूट देख सकते हैं आप फ्रेंड, यहाँ पर आप रूट देखिए कितनी अच्छी है, इसकी रूट बढ़िया निकली हुई है। और इनको आप मिट्टी में दबा दीजिए, पानी में डाल दीजिए, पानी में भी बहुत आसानी से फ्रेंड ग्रो हो जाती है। कुछ पौधे हमारे देखिए यहाँ पर पानी में लगे हुए हैं फ्रेंड, ये देखिए, और इनकी जड़ें आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो आप बहुत आसानी से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी तरह से हमारा पौधा ग्रो हो रहा है, और इसको हम पानी में ग्रो कर देते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर इस तरह से सिंगोनियम को, और बहुत ही आसानी से ये हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। इसकी जड़ निकली हुई है, फिर भी आप अभी मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो जड़ें निकली हुई हैं उन पौधों को आप ज़रूर लगाएं कटिंग से, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे आपके पौधे। यहाँ देखिए आप कोलियस का है, कितना सुंदर है, इसकी पत्तियाँ देखिए कई सारे इसमें कलर हैं फ्रेंड, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। इसको आप घना करेंगे तो यहाँ से पिंच कर दीजिए, आपका पौधा घना हो जाएगा, और आपकी कटिंग लगानी है तो यहाँ से आप कटिंग ले लीजिए, ये बहुत ही सुंदर लगता है पौधा, और इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ मैंने ले ली है इसकी कटिंग, और इसके इसके पत्तों में इतना
सुंदर हैं, पत्ते इतने सुंदर हैं, तो इसमें फ्लावर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके गार्डन में फ्लावर ना हो, इस तरह के पौधे भी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, डेकोरेट भी हो जाते हैं हमारे गार्डन, तो डेकोरेट करने के काम में भी आ जाते हैं। फ्रेंड देखिए आप, बस इसको आपको छाया में रखना है, अगर आप धूप में रख देंगे तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो अभी आप इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हम इसको पानी में डाल देंगे। फ्रेंड पानी में लगा देंगे, देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। तो ऐसे पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, इसकी भी जड़ें छोटी छोटी बनी रहती हैं फ्रेंड, तो ऐसे पौधों को आप ज़रूर ऐड करिए। ये अगला प्लांट है रियो का, ये रियो का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए आप, बहुत ज़रा सा पॉट है, छोटा सा, और देखिए आप कहाँ नीचे तक लटका हुआ है ये प्लांट, और इसकी आप जड़ें देख सकते हैं कितनी सारी इसकी जड़ें निकली हुई हैं, इसी तरह रहती हैं फ्रेंड। और इस सूखे सूखे पत्ते आप हटा सकते हो, और इसको इसकी जो जड़ है यहाँ से देख सकते हैं आप, इसकी जड़ यहाँ से आप कटिंग ले लीजिए और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग ले लेते हैं और इसको भी हम ग्रो कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजली इसकी कटिंग टूट जाती है, और इसको भी यहाँ पर देखिए रूट बनी हुई है फ्रेंड, ये देखिए इसकी रूट। तो कुछ रूट ऐसी होती हैं जो हवा में लटकती रहती हैं, और बहुत ही आसानी से इन पौधों को आप ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कई सारी हमारी कटिंग लग चुकी हैं, और कितने अच्छे से हमारे पौधे ये तैयार हो गए हैं। और ये पौधे कैसे लग रहे हैं आपको, ये जड़ों वाले पौधे आप ज़रूर लगाना फ्रेंड, बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। तो ऐसे पौधों को आप अपने गार्डन में ऐड करिए, और हवा में झूलती हुई जड़ों वाले पौधे आप ज़रूर लगाइए। और कैसे लगे मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।